दोस्तों जैसे बॉक्सिंग के अंदर दो ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं वैसे कुश्ती में भी दो ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं, पर यहाँ फॉर्मेट थोड़ा अलग है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। मैं आपको यहाँ आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरे खेलों में जहाँ ऐसा होता है कि जो भी सेमीफाइनल में हारता है, हारे हुए सेमीफाइनल के खिलाड़ी आपस में खेलते हैं, जो जीत जाता है उसे ब्रॉन्ज मेडल मिल जाता है, पर कुश्ती में थोड़ा अलग है, यहाँ रैपचेफ फॉर्मेट यूज होता है। मान लीजिए आप अपनी कुश्ती के किसी भी राउंड में हार जाते हैं, पर आप जिस खिलाड़ी से हारे हैं वो खिलाड़ी फाइनल में पहुंच जाता है, तो उस फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी ने जितने भी खिलाड़ियों को हराया है सेमीफाइनल तक, उन सब खिलाड़ियों में दोबारा से मुकाबला होगा ब्रॉन्ज मेडल के लिए। उदाहरण के लिए अब जैसे आप 2016 में कुश्ती का एक मुकाबला देख सकते हैं जिसमें साक्षी मलिक ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर इस मुकाबले में साक्षी मलिक क्वार्टर फाइनल में जाकर रसिया की खिलाड़ी से हार जाती हैं, पर रसिया की खिलाड़ी फाइनल में पहुंच जाती है। अब रसिया की खिलाड़ी ने राउंड 32 में जर्मनी और राउंड 16 में मंगोलिया की खिलाड़ी को हराया था। अब जर्मनी और मंगोलिया की खिलाड़ी आपस में भिड़े जिसमें मंगोलिया की खिलाड़ी जीत गई। अब मंगोलिया की खिलाड़ी अगले मुकाबले में भारत की साक्षी मलिक से भिड़ी क्योंकि रसिया की खिलाड़ी ने साक्षी मलिक को क्वार्टर फाइनल में हराया था। यहां साक्षी मलिक जीत जाती है। अब साक्षी मलिक ने सेमीफाइनल में हारी हुई खिलाड़ी से कुश्ती की और यहां भी जीत जाती है और ब्रॉन्ज मिल जाता है। ये वो खिलाड़ी थे जो रसिया की खिलाड़ी से हारे थे। ऐसे ही दूसरा ब्रॉन्ज मेडल दूसरी फाइनलिस्ट के हारे हुए खिलाड़ियों में से किसी एक को इसी तरह कुश्ती करते हुए मिल जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। भारत के कुश्ती के खिलाड़ियों का वीडियो मैंने डाल दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और नोटिफिकेशन दोनों में दिया हुआ है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।